अस्सलाम वालेकुम दुनिया को, मेरी तरफ से अमन का पैगाम दुनिया को। पूरे पाकिस्तान में मैं बिजनेसेस के टूर्स करता रहता हूँ। आज अगर आप में से कोई लोग मैंगो एक्सपोर्ट करने के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तारिक साहब ये फार्मर हैं, किसान हैं, इनके माशाल्लाह अपने बागात हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की 15 के करीब वराइटीज़ ये प्रोड्यूस करते हैं मैंगो की। इनमें एक्सपोर्ट लेवल की भी है और लोकल लेवल की भी वराइटी है। जूसेस देखें तो सबसे ज़्यादा आम के ही बिकते हैं, तो वो लोग जो जूसेस का काम करना चाहते हैं वो लोग भी आपसे रابطہ कर सकते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग भी इन तारिक साहब से रابطہ कर सकते हैं। जो लोग लोकल लेवल पर आम लेकर उसकी पैकिंग करके मंडियों में सेल करना चाहते हैं तब भी आप तारिक साहब से रابطہ कर सकते हैं। लोग आए, हमारा खुद का बाग होगा, खुद का बाग का क्वालिटी के हिसाब से हम 100% श्योर होंगे। खुद में जब जो आम वैरायटी हो, आम व्यापारी होता वो श्योर नहीं होता, खुद की नहीं जो हमसे लेके 100% श्योर हो। वीडियो देखने से पहले हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह 15 के करीब वैरायटीज, मुझे जरा बताएंगे आप कि कितने को एकड़ के ऊपर आपका फार्म है? माशाल्लाह हमारा बाग जो फार्म है वो 40 एकड़ पे है। सबसे पहले लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यार इस तरह के मैंगोज को, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी वैरायटी जो है हम एक्सपोर्ट करें, तो चंद एक का जरा नाम लेके बताएंगे कौन सी जो एक्सपोर्ट की वैरायटी है। सबसे पहले सिंधी शुरू होता है, लंगड़ा वो एक्सपोर्ट होता है, दुशहरी भी होता है कम पैमाने में। जो सबसे ज्यादा ऑन रोटी में तो सिंधी चौंसा और सफेद लेट है। सिंदरी, मौसमी, चौंसा ये चल रहा है? ये चल रहा है, उसके साथ अभी अजीम वाला और चनाब गोल्ड भी साथ साथ आ रहा है। चल रहा है, चल रहा है अभी। अच्छा। साथ साथ आ रहा है, मकसद पे वो एक्सपोर्ट, उसकी डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है डे बाई डे, उसका अभी सीजन टू सीजन डे बढ़ रहे हैं। ये जो आपने अभी जिनके नाम वगैरह लिए, इनका कोई रेट शेट का थोड़ा सा अंदाजा है कि इस वक्त क्या रेट चल रहा है? मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगह का रेट होता है, जिसका रेट इसकी क्वालिटी और खूबसूरती साइज के हिसाब से होता है। वैसे अंदाजन मार्केट में क्या केजी के हिसाब से जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो 100 रुपए केजी ले रहे हैं मैक्सिमम जो है 100 रुपए केजी, 100 रुपए बाग में से बाग में से। जारी बात है, फिर वो ट्रांसपोर्ट का पड़ेगा, टैक्सेस वगैरह, लेबर खर्चा हर वगैरह वो बढ़ते थे, सारी चीजें अलग। अच्छा, अगर फर्ज करें जो लोग देख रहे हैं इनमें से किसी ने आपसे आम के हवाले से प्रोडक्शन लेनी है, तो वो कितनी देर पहले आपसे रब्ता करे? वो मौसम के हिसाब से, जो वैरायटी उसने ले ली है वो उसका मौसम होगा, हम बता देंगे, हमने कॉल करेंगे भी अभी क्या मौसम होगा उसको बता देंगे। जो कह रहे वो हमारे पास होगी तो बता देंगे, नहीं होगी जो डेट होगी हम बता देंगे भी अभी देर है। यकीन जाने यही वो आम है जो आपको सऊदी अरब में भी नज़र आएंगे, आपको यूके में भी नज़र आएंगे, आपको यूएसए में भी नज़र आएंगे, और एक्सपोर्ट करने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तानी हजरात ही हैं, और लोग इनसे ही लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं एक्सपोर्ट करके। ऐसा है ऐसा है कि नहीं? और ये माशाल्लाह ये वो फार्मर हैं जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा रेट चाहिए, जो उन्होंने बताया तकरीबन एक्सपोर्ट लेवल का जो आम है खूबसूरती के साथ वजन के हिसाब से वो 100 रुपीज मैक्सिमम केजी चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर लोकल की बात की जाए तो लोकल में कौन कौन सी मंडियां हैं, अगर आपसे बंदा कोई ले लेता है माल लेकर कौन कौन सी मंडियों में उसको सेल आउट करने में जरा आसानी होगी, कोई इसके बारे में भी गाइड कर सकते? वो हर पाकिस्तान में सब मंडियां सेल आउट में कोई दिक्कत नहीं है, जो जिधर दिल कहता है वो चल जाता है, हर जगह बिक जाता है, हर जगह बिक जाता है, हर जगह। और इनका अक्सर औकात होता है वो पता नहीं केमिकल वगैरह लगाते हैं, कुछ ऐसा वैसा सीन है, उसका क्या सीन है, क्या ये चीज़ भी होती है? नहीं, वो उसके लिए शाइनिंग करने जल्दी पकाने के लिए एक पूड़ी होती है, चाइना पूड़ी, मसाला लगाते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई मसला नहीं है उसका, नहीं होता वो सिर्फ है उसकी खूबसूरती और जल्दी एक जगह पकाने के लिए वो कुदरती तौर पर नेचुरल ऐसा असर लगता है, उससे भी सब जो है मुकम्मल पक जाता है, एक ही जैसा होता है। मतलब वो केमिकल ऐसा होता है जिसको पूड़ी की सूरत में रखते हैं, उसका आम पर कोई इतना असर नहीं होता, नहीं वो जस्ट उसको येलो करता है, येलो करता है, उसका रंग जो तेज करता है उसका, बस उसका और उसका कोई नहीं साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका काम नहीं है, कोई इसका काम नहीं। अच्छा, इस बागात के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, मतलब इसकी पैकिंग के हवाले से, अब कई कुछ लोग होते हैं उनको पैकिंग का नहीं पता, वो कहते हैं यार हम पैकिंग समेत लेना चाहते हैं, तो क्या पैकिंग वगैरह भी करके देते हैं कुछ ऐसा? वो भी हो जाता है, जैसे वो कस्टमर चाहेगा मुझे पैकिंग दे करके दे, वो कहते हैं कुछ हमारी पैकिंग होती है, किसी की अपनी मर्जी की पैकिंग होती है, वो कोई कहते इसमें पैक करते, कुछ कहते इसमें हमें पैक करके दो, वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ चीज़ होती है, मुख्तलिफ चीज़। अच्छा, आपका अपना कितना को तजर्बा इस काम में हो सका? ये जद्दी पुश्ती है आपका माशाल्लाह? ये जद्दी पुश्ती काम है, जद्दी पुश्ती काम है। जी जी, सही ले जी। 40 एकड़ के ऊपर इनका माशाल्लाह अपना ये मैंगो फार्म है, जो यहाँ पर आप इनकी मुख्तलिफ किस्म की वराइटीज़ देख रहे हो। टॉप मोस्ट क्वालिटी कोई ऐसी बताएं जो एक्सपोर्ट लेवल पर चल रही है, सिर्फ इक्का दुक्का जो सबसे ज़्यादा चल रही है, और किन ममालिक में चल रही है भी बताएं? सबसे ज़्यादा जो ईरान की वरायटी है वो बड़े साइज वाली होती है, सही है, जैसे सिंदड़ी हो गया, चनाब गोल्ड हो गया, वाइट गोल्ड हो गया, ये ईरान की वरायटी।
ये ईरान की वैरायटी है, पाकिस्तान ईरान ताजिकिस्तान रहती है, जो यूरोप में छोटे साइज की जाती है, अनवाटोल हो गया, दुशहरी हो गया, अजीम वाला हो गया, ये यूरोप की वैरायटी है, ये सारी यूरोप की वैरायटी है, क्योंकि ये आम ज्यादा होते हैं, इनका साइज थोड़ा होता है, ये ज्यादा चलता है। सही, अच्छा भाई आप देखते हो ये आम पसंदीदा है, जूसेस देखें तो सबसे ज्यादा आम के ही बिकते हैं, तो वो लोग जो जूसेस का काम करना चाहते हैं वो लोग भी आपसे रابطہ कर सकते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग भी इन तारिक साहब से रابطہ कर सकते हैं, जो लोग लोकल लेवल पर आम लेकर उसकी पैकिंग करके मंडियों में सेल करना चाहते हैं तब भी आप तारिक साहब से रابطہ कर सकते हैं। ये हो सकता है, इसमें अभी वो आ रहे हैं ना पल्प वाला भी आ रहा है, वो ड्राई करते हैं पल्प, उसका भी आम का काम वही बहुत अच्छा चल रहा है अभी। हाँ वो भी काफी ज्यादा चल रहा है, तो उसमें भी आप क्या हेल्प आउट करते हैं, थोड़ा सा गाइड करते हैं लोगों को? जी जी सही हो गया। खैर ये चीजें ऐसी हैं जो यकीन जाने लोग इनको मुख्तलिफ, अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा कि इसी आम को ये 100 रुपीज केजी बता रहे हैं, ये एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटी बेहतरीन का, आप यकीन जाने अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी आम को ड्राई फार्म के अंदर भी देखा है, और वो सिंपल इतनी सी उसकी वो मतलब प्रोडक्शन थी, और वो 300 रुपीज का वो दे रहा था, मतलब मेरा ख्याल है वो पाव भी नहीं होगा, 250 ग्राम 200 ग्राम बोल रहे हैं, 200 ग्राम है तकरीबन, 200 ग्राम का वो पैकेट 300 में बिक रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कितना अच्छा खासा इसके अंदर मार्जिन है, और कैसे आप लोग इनसे बिजनेस करके हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों तक भी इवन के जा सकते हैं, बिजनेस के ऊपर ये वेरी होता है। और कुछ चीज़ खास इन्फॉर्मेशन, कोई ये चीज़ जो आप अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आम तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, आप में और उनमें क्या फ़र्क है, क्वालिटी वाइज रेट वाइज क्या है, क्यों आपके पास लोग आएँ? लोग आएँ, हमारा खुद का बाग होगा, खुद का बाग का क्वालिटी के हिसाब से हम 100% श्योर होंगे, वह खुद में जब जो आम वैरायटी हो, आम व्यापारी होता वो श्योर नहीं होता, खुद की नहीं जो हमसे लेके 100% श्योर हो, 100% श्योर होगा। चले जी मेरा ख्याल है काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको आम के हवाले से, इस बिज़नेस के हवाले से हमने दे दी, बाकी इनका मुकम्मल एड्रेस फ़ोन नंबर कहीं ना कहीं नीचे होगा, तो आप इनसे रब्ता करके अगर बाइंग करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इनसे ख़रीद सकते हैं। टिल देन टेक केयर, नई जगह नए लोग नई याद नई बात के साथ, वंस अगेन फिर किसी और बिज़नेस मैन या बिज़नेस रिव्यू में आप सबके सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। थैंक यू। तो सारा एंगल आ रहा है ना इधर। अच्छा यार तो उधर बैठ, एक मिनट भैया, इधर भी तो नीचे ही बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दुनिया को, देखिए यार इधर ठीक है। अच्छा भाई यकीन जाने यहाँ जी जी बस इधर काम करते हैं, ठीक है।